This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. एशिया के सबसे अमीर शख्स और देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी अपने कारोबार के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. कोरोना काल के बावजूद पिछले 1.5 साल में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के जरिए अपने नए कारोबार को खूब आगे बढ़ाया है. बेहद कम समय में मुकेश अंबानी का ये डिजिटल कारोबार सबसे ज्यादा फायदा देने वाला सौदा बन गया है. हालांकि रिलायंस का सबसे पुराना कारोबार पेट्रोकेमिकल का है. इस कारोबार में बीते कुछ सालों से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है. पेट्रोलियम को लेकर सऊदी अरामको के साथ डील की बातचीत भी अभी तक खत्म नहीं हुई. लेकिन शुक्रवार को एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को एक दिन में 34,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ. ये खबर पेट्रोकेमिकल से ही जुड़ी थी. शुक्रवार को ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस के पेट्रोकेमिकल कारोबार का एबिटा 50% तक बढ़ सकता है. जेफरीज ने कहा है कि कंपनी के पेट्रोकेमिकल कारोबार का प्रदर्शन बहुत शानदार है. इससे चालू वित्त वर्ष में कंपनी के O2C बिजनेस में हिस्सेदारी बिक्री की संभावना बढ़ जाएगी. ब्रोकरेज फर्म की इस रिपोर्ट का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी दिखा. ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की इस खबर से हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में रिलायंस के शेयरों में करीब 6% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया. शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2094.45 रुपए पर बंद हुआ. इसका असर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पर भी दिखा. मुकेश अंबानी की संपत्ति में एक दिन में करीब 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ. नेटवर्थ में 34,000 करोड़ के उछाल के बाद मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति बढ़कर $81 अरब पर पहुंच गई. इस बढ़त के साथ मुकेश अंबानी ने एशिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल आता है तो लाजमी है कि मुकेश अंबानी की दौलत भी साथ में बढ़ती ही है. इससे पहले भी पिछले साल सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की गई थी, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर 2369 रुपए पर जा पहुंचा था. जिसके बाद मुकेश अंबानी की दौलत में भी जोरदार इजाफा हुआ और उनकी नेटवर्थ बढ़कर $90 अरब पर पहुंच गई. वहीं रिलायंस का मार्केट कैप भी 16,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था. जबकि शुक्रवार को रिलायंस में तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 15,00,000 करोड़ के पार पहुंच गया था. मुकेश अंबानी ने अपने डिजिटल बिजनेस रिलायंस जियो के जरिए देश में इंटरनेट क्रांति लाने का काम किया है और अब कंपनी 5G टेक्नोलॉजी को देश में लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है. जियो का मकसद इस साल के मिड तक लोगों तक इस सुपर फास्ट स्पीड को पहुंचाना है. मुकेश अंबानी के फ्यूचर प्लान्स हमेशा से ही फायदेमंद साबित हुए हैं. अब कंपनी देश में पूरी तरह से स्वदेशी 5G तकनीक लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि कंपनी टेलीकॉम मार्केट में अपनी बादशाहत कायम रख सके.